हेलो फ्रेंड, कैसे हो? टेक्निकल हेल्प में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले एक वीडियो में बता दिया था कि रेडमी 8 ड्यूएल के लिए इंडिया के अंदर जो MIUI 12 का जो अपडेट है वो रोल आउट हो जाएगा तकरीबन फरवरी के फर्स्ट वीक में। ऐसा ही हुआ, आज फरवरी का फर्स्ट वीकेंड हुआ है और उसके साथ ही रेडमी 8 के लिए इंडियन यूजर के लिए MIUI 12 का अपडेट रोल आउट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, लास्ट तक आप वीडियो को देखना। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपको अपडेट नहीं मिला तो आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है MIUI जब कोई भी अपडेट रोल आउट करती है MIUI कंपनी, तो वो अपडेट सभी यूजर के लिए रोल आउट नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मैं जैसे ही अपडेट आता है उस समय वीडियो लगा देता हूँ, लेकिन बाद में आप लोगों का कमेंट आते हैं कि मुझे अपडेट नहीं मिला नहीं मिला। और उसका रीज़न ये भी है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, इसीलिए आप लोगों को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। आप आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हो कि हमें अपडेट नहीं मिला नहीं मिला। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट बता दूंगा कि यदि आपको नहीं मिला है तो आप किस तरीके से इस डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। ये एक ऑफिशियल तरीका है जिससे आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं और आपके 1% भी डाटा डिलीट नहीं हो गए, जैसे आपके डाटा है वैसे ही डाटा रह जाएंगे। और ये एक ऑफिशियल मेथड है जिसके जरिए से आप अपने डिवाइस को MIUI 12 पे अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, यदि आपको अपडेट मिल चुका है तो अच्छी बात है, आपको नहीं मिला था तो कमेंट करके मैं ये बताइए कि मैंने आपके तरीके से अपडेट किया, हमें अपडेट नहीं मिला था। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अपने डिवाइस की सेटिंग में आ जाना है। ये डिवाइस मेरे पास रेडमी 9i है, रेडमी 8 ड्यूएल नहीं है, लेकिन इसी के जरिए मैं आपको बता दूंगा, तरीका सेम है 100%। ये रेडमी आई डिवाइस है, नया डिवाइस मैंने आप लोगों के वीडियो के लिए ही यूज़ किया, पास में ही बॉक्स पड़ा इसका, आप लोगों के वीडियो के लिए ही यूज़ किया। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरी मेहनत को सफल बनाई थी। रेडमी 9i डिवाइस है, लेकिन फिर भी जो तरीका होता है वो 100% सेम तरीका होता है, श्योर आप अपडेट कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अबाउट फोन में जाना है। आपको यहाँ पर MIUI 11 का लोगो दिखाई देगा, आपके डिवाइस में होगा सिस्टम अपडेट, उसमें जाना है, चेक अपडेट में जाना है, फिर आपको MIUI 11 का लोगो होगा उस पर 5 से 7 बार टैप करना है। याद रहे जहाँ मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पर आपको टैप नहीं करना, आपको टैप करना है जो MIUI 11 का लोगो बना, जैसे मैं अभी मैंने टैप किया वहाँ पर आपको टैप करना है, बीच में, जस्ट लोगो के बीच में। जैसे ही टैप करोगे आपके अपडेट की एडिशनल सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए अभी लिखा हुआ है 5 से 7 बार टैप करना है। ये देखिए एडिशनल सेटिंग अपडेट हो चुकी है, यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ चुका है चूज अपडेट पैकेज का, तो इस पे जाना है और एक रोम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको चूज अपडेट में जाना है और अपडेट में जाओगे यहाँ पर आपकी फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगी। नया डिवाइस है, सेटअप नहीं कर रहा हूँ लेकिन तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सीधे अपनी गैलरी के अंदर चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जो अपनी फाइल मैनेजर पहुँच जाओगे और आपको वहाँ पर डाउनलोड फोल्डर को फाइंड करना है और वहाँ पर आपको वो रोम मिल जाएगी जो आपने इस वीडियो के लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड की थी। आपको ओके कर देना है। डिवाइस डिक्रिप्टिंग लेने के बाद आपका डिवाइस सक्सेसफुल MIUI 12 पे अपडेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लीजिए, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन